What happened? जिस तरह हम अपने जीवन में हेल्थ के कार्ड को अहमियत देते हैं कि भाई आपका हेल्थ कार्ड क्या है, आपका हेल्थ रिपोर्ट क्या है, रेगुलर उसको हम देखते हैं, हम कॉन्शियस है, ये कोशिश करते हैं कि उसमें पॉजिटिव पॉइंट जुड़े हैं, वैसे ही हम पर्यावरण के संदर्भ में भी सोचना शुरू करना चाहिए। हमें देखना होगा कि क्या करने से पृथ्वी की हेल्थ कार्ड में पॉजिटिव पॉइंट जुड़े, और यही मेरे हिसाब से ग्रीन क्रेडिट है और वही मेरी ग्रीन क्रेडिट की अवधारणा है। हमें नीतियों में, निर्णयों में यह सोचना होगा कि उससे पृथ्वी के हेल्थ कार्ड में ग्रीन क्रेडिट कैसे जुड़ेगा। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, डिग्रेडेड वेस्टलैंड का है, अगर हम ग्रीन क्रेडिट के कंसेप्ट से चलेंगे तो पहले डिग्रेडेड वेस्टलैंड के इन्वेंटरी बनाई जाएगी, फिर उस भूमि का उपयोग कोई भी व्यक्ति या संस्था वॉलेंटरी प्लांटेशन के लिए करेगी, और फिर इस पॉजिटिव एक्शन के लिए उस व्यक्ति या संस्था को ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। ये ग्रीन क्रेडिट फ्यूचर एक्सपेंशन में मददगार होंगे और ये ट्रेडेबल भी हो सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, चाहे वह रजिस्ट्रेशन हो, प्लांटेशन हो, वेरिफिकेशन हो, या फिर ग्रीन क्रेडिट जारी करने की बात हो। What happened?